दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार दिनकर, कल्याण होम्यो क्लिनिक जहानाबाद। दोस्तों आज पीठ की दर्द बैक पेन पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बैक पेन का जो मुख्य कारण है डायरेक्ट इंजरी या रिमेटिक पेन या लंबे समय तक बैठ करके कोई काम करना होता है। यदि हम लंबे समय तक बैठ कर कोई काम करते हैं तो जो रीढ़ होती है, रीढ़ के जो वर्टेब्रल डिस्क होते हैं उस पर एक प्रेशर होती है जिसके वजह से नर्व इंजरी होती है और पीठ में दर्द होता है। पीठ दर्द सर्वाइकल, डॉर्सल, लेमर या सैक्रल हिस्सों में बांटा जाता है। जो ऊपरी हिस्सा होती है जिसको सर्वाइकल कहते हैं, जो गर्दन के हिस्से का होता है, डॉर्सल जो सीने के हिस्से का होता है, और लीमर जो पेट के हिस्से का होती है, और सैक्रल जो पीठ की सबसे निचली हिस्से होती है। दोस्तों इसका दर्द होता है, कुछ दर्द मोमेंट से आराम मिलता है तो कुछ मोमेंट में बढ़ता है, कुछ लंबे समय तक बैठने या झुकने पर दर्द बढ़ता है। तो हर पीठ की दर्द का एक अलग अलग सिम्टम होता है और उसका एक अलग अलग कारण होता है। अब बैक पेन यानी पीठ की दर्द का कुछ खास होम्योपैथ दवा बताने जा रहा हूं। तो इसका मुख्य दवा में रस्टेक्स 200 नंबर का सेवन करेंगे। यदि दर्द का कारण हैवी वेट उठाना, मोच होना या रूमेटिक हो तो उसका रस्टेक्स खास दवा होता है जो इसका लक्षण होता है। पीठ में अकड़न होता है, तनाव युक्त होता है, जो रेस्ट में दर्द बढ़ता है, खास करके जब हम रात में सोते हैं तो दर्द बढ़ता है, और जब हम चलते फिरते हैं, गति करते हैं तो दर्द में राहत होती है। यदि गति करने से, चलने फिरने से दर्द में राहत होता है और रेस्ट में दर्द बढ़ता हो तो रस्टेक्स 200 नंबर में दो दो बूंद करके सुबह शाम कुछ दिन तक सेवन करेंगे, दर्द आराम हो जाएगा। अगली दवा है ब्राइनिया। यदि पीठ की निचली हिस्सा में दर्द हो और वह दर्द अकड़न युक्त हो, जो खास करके रेस्ट में दर्द आराम मिलता हो, जब तक वो रोगी रेस्ट में होता है दर्द बिल्कुल आराम रहता है, लेकिन जैसे ही वह चलना फिरना शुरू करता है, खड़ा होता है या झुकता है तो उसका दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। अगली दवा पालीकार्प। यदि दर्द अकड़न युक्त हो, खास करके डिलीवरी के बाद या मेंस के पीरियड में दर्द हो तो काली का उसका खास दवा होता है, जिसका जो लक्षण होता है जब चलता फिरता है रोगी तो दर्द बढ़ता हो, और यदि लेटता है तो दर्द में राहत होती है। यदि इस तरह का लक्षण है, स्टिफनेस युक्त दर्द है जो लेटने पर आराम हो, चलने फिरने पर दर्द बढ़ता हो तो काली कार्प 200 नंबर में दो दो बूंद करके तीन बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे। कुछ दिन तक लगातार सेवन करने के बाद दर्द आराम हो जाएगा। अगली दवा सिमिसिफिगो, खास करके सर्वाइकल रीजन यानी गर्दन के हिस्से का पीठ दर्द हो, जो दर्द फैल करके कंधों तक आ जाए, यदि इस तरह का लक्षण है तो सिमिसिफिगो 30 नंबर दो दो बूंद करके तीन बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे। कुछ दिन तक लगातार सेवन करने के बाद दर्द बिल्कुल आराम हो जाएगा। अगली दवा है आर्णिका। आर्णिका 200 नंबर में सेवन करेंगे। यदि दर्द चोट की तरह है, ऐसा लगता है कि किसी ने मारा है, यदि पीटने की तरह का दर्द और दर्द का कारण यदि इंजुरी हो तो आर्णिका 200 नंबर में दो दो बंद करके तीन बार सुबह दोपहर शाम कुछ दिन तक सेवन करेंगे, दर्द बिल्कुल आराम हो जाएगा। अगली दवा है हाइपेरिकम। यदि रीढ़ की निचली हिस्सा में किसी तरह का इंजुरी है, चोट है और उसकी वजह से दर्द है और वह दर्द फैल करके नीचे पैरों में चला जाता हो
और दत्त के साथ यदि सुनपन हो तो है प्रीगम दो सोनवर में दो दो बूंद सुबह शाम कुछ दिन तक सेवन करेंगे। कुछ दिन तक सेवन करने के बाद दर्द बिल्कुल आराम हो जाएगा। अगली दवा है रूटा। रूटा 200 नंबर में सेवन करेंगे। यदि पीठ की निचली हिस्सा में इंजुरी हुआ हो और इंजुरी होने के बाद दोनों पैर या एक भी पैर पैरालाइज्ड हो जाता है और दर्द निचली हिस्सा में हो या देर तक बैठने की वजह से पीठ दर्द हो तो रूटा 200 नंबर में दो दो बूंद करके तीन बार कुछ दिन तक लगातार सेवन करेंगे। यदि रूटा जी 200 नंबर में कुछ दिन तक लगातार सेवन करेंगे तो निश्चित ही दर्द आराम हो जाएगा। अगली दवा क्वाल्ट। क्वाल्ट 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि दर्द पीठ के निचली हिस्सा में हो और लंबा समय तक बढ़ने के वजह से हो, दर्द के साथ पीठ में कमजोरी अनुभव हो या रीढ़ में जलन युक्त दर्द हो तो क्वाल्ट 30 नंबर दो दो बूंद करके तीन बार कुछ दिन तक लगातार सेवन करेंगे तो दर्द आराम हो जाएगा। अगली दवा कोलोसिंथ। कोलोसिंथ 200 नंबर में। यदि दर्द पीठ के निचली हिस्सा में हो और वह दर्द रेडिएट करके पैरों में चला जाए और दर्द के साथ साथ सुनपन हो और दर्द प्रेशर से यानी दबाने से आराम मिलता हो तो कोलोसिंथ 200 नंबर में दो दो बूंद करके तीन बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे, दर्द आराम हो जाएगा। अगली दवा कालमिया। कालमिया 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि सर्विकल पेन यानी गर्दन में दर्द है और वह दर्द पीठ से होते हुए फैलते हुए हाथों और उंगलियों में चला आए और दर्द के साथ सुनपन भी बना रहे और दर्द कुछ काम करने पर बढ़ता हो यानी हाथ के मूवमेंट होने पर दर्द बढ़ता हो तो कालमिया 30 नंबर में दो दो बूंद करके तीन बार सुबह दोपहर शाम कुछ दिन तक लगातार सेवन करने पर दर्द बिल्कुल आराम हो जाएगा। तो दोस्तों यह रहा दर्द का कुछ खास होम्योपैथी दवा। तो दोस्तों अब अंत में आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।